शुभमन गिल को शिवम दुबे का पैर पकड़ लेना चाहिए, उनके माथे पर गिली पप्पी लेना चाहिए। मोहाली तो उन्हीं का ही घर है, किसी रेस्टोरेंट का लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देना चाहिए, ताकि शिवम दुबे से वहां पर कोई बिल ना लिया जाए, कोई पैसा ना लिया जाए। कायदे से मैं तो कहता हूँ शिवम दुबे के नाम पर कोई प्रॉपर्टी दे ही देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सत्यम बात कहता हूँ भैया, अगर शिवम दुबे ना होते, जिस तरह से रोहित शर्मा रन आउट होने के बाद गुस्से में थे, ऐसा लग रहा था कि ज्वालामुखी ना फट जाए। वैसे तो कल नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आया था, लेकिन मोहाली में दो बार आया था। एक बार धरती हिली, रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को हिला डाला। स्टाम्प माइक पर तो अभद्र भाषा की शब्द भी सुनाई दी, लेकिन दिक्कत ये नहीं थी कि रोहित शर्मा आउट हो गए, दिक्कत ये थी कि रोहित शर्मा को आउट करवाने के बाद वो खुद भी आउट हो गए। ऐसे में अगर टीम इंडिया कल हारता तो रोहित शर्मा की गुस्सा शुभमन गिल पर ही उतरता, लेकिन शिवम दुबे ने ऐसा होने से बचा लिया और कल मोहाली में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर ली। सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है, मैं हूं शाहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मोहाली में टीम इंडिया की कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इतनी ठंड में भी अक्षर पटेल हट नजर आ रहे थे, उन्होंने 7 गेम पर अफगानिस्तान की 2 विकेट लेकर बैकफुट पर धकेल दिया। एक ऐसा टाइम भी आया था जब अफगानिस्तान काफी पिसर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से जीत जाएंगे। ठीक उसी टाइम पर अफगानिस्तान की सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी नबी ने 27 गेम पर 42 रन बनाकर अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। इंडिया को 159 का टारगेट दिया और नबी ने अपने टीम की गेंदबाज को कहा, हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकल के, इस टारगेट को रखना मेरे भलारो संभाल के। अच्छा, हमको सिखा दिया है। फिर असली मजा तो आया दूसरी इनिंग्स पर। इनिंग्स की दूसरी ही गेम पर रोहित शर्मा को रन चाहिए था। शुभमन गिल गेम को देखते ही रह गए, उनको पता नहीं था कि उनकी कप्तान दरकर उनके पास आ गए और फिर इतनी देर हो गए कि किसी एक को तो रन आउट होना ही था। 2022 की बात, अपना पहला T20 खेल रहा रोहित शर्मा रन आउट हो गए। शुभमन गिल को कुछ कुछ सुनना भी पड़ गया। पिछला एक साल में यह पहली बार नहीं हुई है कि गुजरात की कप्तान की वजह से मुंबई की कप्तान को परेशानी हुई है। हेलो, समझ रही हो, मेरी हालत इतनी बुरी है। रोहित का विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि अपनी गलती की भुगतान किया जाए और वो अच्छे खेल रहे थे, लेकिन मजीबुर रहमान की एक शानदार गेम पर अपना विकेट गवा दी। तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। जब गुजरात और मुंबई से कुछ नहीं हो रहा था, तब टीम इंडिया की कमान संभाली एक चेन्नई वाले ने। शिवम दुबे को महेंद्र सिंह धोनी इतना हाईली रेटिंग वैसे ही नहीं करते। काल शिवम दुबे ने साबित कर दिया कि उसमें ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से धोनी उन पर इतना विश्वास करते हैं और उनकी फेवरेट है। कई जानकार शिवम दुबे को अगला युवराज सिंह कह रहा है। शिवम दुबे ने पहले जितेश शर्मा के साथ पार्टनरशिप करके टीम को मुश्किल से निकाला, उसके बाद रिंकू सिंह के साथ मिलके टीम की नैया को पार लगाया और फिर शुभमन गिल की नींद भी काल उन्होंने बचा लिया। इंडिया ने पहला T20 6 विकेट से और पंडा गेम रहते ही बड़ी आसानी से जीत लिया। काल वाली मैच के बारे में आपको क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रोहित शर्मा की रन आउट की बात, आपकी दिल की हालत क्या था, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।